हफ्ते एक और छोटे टॉपिक की जो हमने कंडक्टेंस और कनेक्टिविटी पढ़ा उसके साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ ही लेते हैं। क्या होता है हमारा करंट डेंसिटी। ये भी दो नंबर में पूछ जाने वाली एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती, बहुत ईजी होती और एक आगे काम आएगी, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो करंट डेंसिटी होती क्या है, इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब कि कितने एरिया पे कितना करंट पास हो रहा है वही हमारी करंट डेंसिटी होती है। मतलब कि देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के क्या है, हमने इससे हमने पोटेंशियल अटैच की तो उसमें क्या है, करंट फ्लो होना चालू हो गया। तो हम बात करें इस पर्टिकुलर, हमने यहाँ पर एक एरिया ले लिया, एरिया लेकर हम क्या कहेंगे इस एरिया में से कितना करंट पास हुआ, तो वही तो हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी होते हैं। मतलब कितने एरिया में, पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट पास हुआ वो हमारी क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब कितने पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हुआ वही हमारी करंट की डेंसिटी होती है। और इसकी रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से, और इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए, इसका फॉर्मूला होता है हमारे करंट डेंसिटी का। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट यदि आप चाहें तो खुद ही बना सकते हैं। करंट का हमारा क्या होता है, यूनिट ए होती है, मतलब एम्पियर होता है। और एरिया की क्या होती है हमारी, मीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर। तो यदि हम एम को ऊपर लेके गए तो हमारा क्या बन गया, ए मीटर माइनस टू। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पेयर मीटर माइनस के टू। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई एम्पेयर मीटर माइनस टू। तो आपको समझ में आया होगा ऐसा यूनिट आपकी, इसकी ये लिखना है आपको। और इसकी डेफिनेशन आप इतने छोटी डिफाइन कर सकते हैं, अच्छी डेफिनेशन है इसकी। इट इज डिफाइंड एज द एरिया एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब कितने पर्टिकुलर एरिया से हमारा कितना करंट पास हो रहा है वही हमारी करंट डेंसिटी होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है, जे होता है, जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये तीन डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक डिफरेंस, वो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।